हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ सैनी, प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ वीडियोस जैसे साइंस की, जीके की, और उसी क्रम में मैं सौरभ सैनी आपको मैथ्स जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा, और उस लेवल तक सिखाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल तक मैं आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि हम लोग मैथ्स को किस प्रकार से हमें पढ़ना है, कैसे हमें सीखना है, उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैथ्स है वो किन किन एग्ज़ाम्स में अपन कवर करने वाले हैं, कौन से एग्ज़ाम्स के लिए अपन पढ़ने वाले हैं, उन सारी बातों की अपन चर्चा करते हुए यहाँ से आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्रतिस्पर्धा क्लासेस ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आपको एक विद्वान बैच, विद्वान बैच है उसकी अपन बात कर रहे हैं। एक बार किसकी बात कर रहे हैं? विद्वान बैच की। यहाँ पर इस विद्वान बैच को हमारी टीम ने इसको पढ़ाने के लिए एक जुनून उठाया है हाथ में कि हम लोग आपको विद्वान बैच पढ़ाएंगे, जिसके अंदर, विद्वान बैच के अंदर आपको सारी सब्जेक्ट्स, जितनी भी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में जो मैथ्स आती है उसके बारे में, साइंस जो आती है साइंस के बारे में, जीके जितना भी पोर्शन आता है, या इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, उन सभी चीज़ों की अपन इस विद्वान बैच के अंदर बात करने वाले हैं। विद्वान बैच ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट जो आज तक कहीं पर पढ़ा हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या नहीं पढ़ा हो, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% मैं आपको कह सकता हूँ ये बात, कि आपको इस विद्वान बैच से इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि मतलब आपने कहीं सीखा भी होगा ना, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को यहाँ पर मिलेगी। इस विद्वान बैच के अंदर मैं आपको मैथ्स या गणित के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद्वान बैच है ये कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करने वाला है। विद्वान बैच की अगर मैं बात करूँ तो देखो, दो प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट्स के, यानी कि जो राज्य स्तरीय जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अपन इसको कवर करने वाले हैं, और एक सेंटर लेवल पर अपन इसको कवर करने वाले हैं, यानी कि केंद्र लेवल पर भी इसको अपन कवर करने वाले हैं। मतलब सेंटर लेवल्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सेंटर के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूं, मैं कैट की अगर बात करता हूं, अगर मैं बात करूं यहां पर यूपीएससी की, अगर मैं यहां पर बात करूं एनडीए की, ठीक है, डिफेंस के जो भी कोई एग्ज़ाम है, एयरफोर्स है, अग्निवीर है, इस प्रकार के एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं रेलवे के एग्ज़ाम्स की, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी मैं बात करूं यहां पर, ऐसे एग्ज़ाम्स जहां पर भी जितने भी सेंटर में एग्ज़ाम आयोजित होते हैं, एफसीआई हो गया, है ना, आरआरबी का, जो भी आरआरबी का, जैसे रेलवे के अंदर लोको पायलट का आ जाता है, ठीक है, लोको पायलट का जो बैच है, और इसके अंदर एनटीपीसी के काफ़ी सारे लेवल आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके के एग्जाम्स हो गए। जितने भी एग्जाम्स जो सेंटर लेवल पर आयोजित किए जाते हैं उन सभी में आने वाली मैथ्स, उन सभी में आने वाली गणित, और स्टेट लेवल के एग्जाम्स की मैं बात करूं, जैसे कि राजस्थान का कोई एग्जाम्स आयोजित होता है आपका, ठीक है भाई, अगर कोई यूपी का कोई एग्जाम आयोजित होता है, या आपका कोई बिहार का कोई एग्जाम आयोजित हो रहा है, या कोई भी ऐसा एग्जाम, कोई भी कंपटीशन, हरियाणा का कोई एग्जाम है, किसी भी तरह का कोई एग्जाम अगर आयोजित हो रहा है और वहां पर अगर मैथ्स आ रही है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है विद्वान बैच ज्वाइन करना। ये विद्वान बैच जो है आपको बहुत ही ज्यादा विद्वान बनाएगा, इतना विद्वान बनाएगा कि जितना भी आप बने हुए हो ना, उससे भी बहुत ज्यादा विद्वान बनोगे, ये मेरी गारंटी है। और मैथ्स की मैं अगर मैं बात करूं तो आपको जरूर देखना, आप यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैं बार बार यही बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं, आप देखना जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मैथ्स आपको वास्तव में कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से अपन। देखिए, विद्वान बैच की और आपको खासियत बता देता हूँ मैं। विद्वान बैच, सबसे पहली बात, ये विद्वान बैच जो है
आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। YouTube पर एकदम फ्री मिलेगा, आपको इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि रुपए की वजह से बैच ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। एक बार YouTube पर आप देखोगे तो ये एकदम आपको फ्री मिलेगा। पहली बात तो इसकी ये, आपको इसकी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, यानी कि आपका काम क्या है, इस रेगुलर क्लास को देखते हुए नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, जैसे हम क्लास में नोट्स बनाते हैं वैसे ही आपको यहां से नोट्स बनाने हैं। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी प्रत्येक टॉपिक के बाद, प्रत्येक जितना भी टॉपिक कंप्लीट होगा प्रत्येक टॉपिक के बाद हम आपको यहां पर क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे टॉपिक की। ठीक है, डिजिटल बोर्ड के इस माध्यम से हम लोग आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे लेवल के जो एग्जाम होते हैं यानी कि स्टेट लेवल के एग्जाम को अपन ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मैथ्स का जो स्तर होता है ना वो एक मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता। आप जितने बड़े एग्जाम्स देखते हो, जैसे अगर मैं यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें मैथ्स का बहुत ही लो वेटेज आता है, मतलब यहाँ पर जीके वगैरह का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बहुत ही आसान मैथ्स आती है। यूपीएससी हो गया, ऐसे ही पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे आरएएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इस तरीके से जो एग्ज़ाम्स होंगे है ना, बिहार पीसीएस हो गया, कोई भी एग्ज़ाम आप देना वहाँ पर आप देखना कि आपको जो मैथ्स मिलेगी वो आसान मिलेगी। जबकि सेंटर लेवल की अगर मैं एसएससी और अगर मैं कैट की अगर मैं बात करूं, एसएससी की और अगर मैं कैट की अगर बात करता हूं, तो यहां पर मैथ्स का जो लेवल है वो आपको एक स्टैंडर्ड का देखने को मिलता है। रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में भी मैथ्स जो है बहुत ही आसान आती है। अब आप कहोगे सर आप तो मैथ्स के टीचर हो इसलिए आपको लग रहा होगा कि आसान आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के लिए भी उतनी ही आसान हो जाएगी जितनी आसान ये हमारे लिए है विद्वान बैच के अंदर। तो इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं, YouTube पर फ्री मिलेगा, रेगुलर क्लासेस होंगी, आपको नोट्स बनाने, प्रत्येक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, जिससे आपकी जो मैथ्स है वो बहुत इंप्रूव होगी। और इस विद्वान बैच के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग जो होगी हमारी वो जीरो से होगी, स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से होगी। अब जीरो का मतलब बहुत सारे जीरो होते हैं, जैसे क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जगह देखा है कि जीरो नाम बोलकर भी आपको एक लेवल ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को आज तक है ना, ये बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग करते हैं उनको इस प्रकार से भिन्ने को, भिन्न को जोड़ना है ना, कोई भी भिन्न अगर मान लीजिए इस प्रकार से लिखी हुई है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए, और ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो इनको जोड़ना घटाना ये थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चों को स्टार्टिंग में। तो इनको जोड़ना घटाना बेसिक बेसिक बातें, बिल्कुल हर छोटी से छोटी बात, जैसे माइनस वाली संख्याएं अगर मान लीजिए किस प्रकार से आपको जोड़नी, माइनस तीन में माइनस दो है ना, माइनस पाँच, माइनस सात, माइनस के आठ, प्लस दस, इनको कैसे आपको सरल करना है, इन सभी छोटी छोटी बातों की बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा भी लगे जो पहले से पढ़े हुए बच्चे कि सर क्या सिखा रहे हैं, उन सारी चीज़ों की बातें हम विद्वान बैच के, देखो विद्वान नाम इसलिए रखा गया है कि क्योंकि आपको बनाना ही विद्वान है हमें, और विद्वान बनाकर, और विद्वान बनाकर आपको क्या दिलाना है, सिलेक्शन दिलाना है। हमारा जो उद्देश्य रहेगा, मेन उद्देश्य क्या रहेगा, सिलेक्शन दिलाना, सिलेक्शन तक आपको पहुंचाना, आपके जो माता पिता का जो नौकरी का सपना है, आपका जो नौकरी का सपना है, उस सपने को हकीकत में बदलना, ये हमारा ध्येय रहेगा, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा विद्वान बैच पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट कोई भी बच्चा, किसी भी प्रकार का बच्चा जो इंटरेस्टेड है तैयारी करने में, जो नौकरी चाहने में इंटरेस्टेड है, किसी भी कारणवश से नौकरी चाहता हो, चाहे अपने खुद की परिस्थितियों की वजह से नौकरी चाह रहा हो, या किसी का ड्रीम होता है कि मुझे इस पोस्ट को अचीव करना है, जैसे एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या है, एसएससी से काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट लेते हैं। एसएससी के अंदर हम लोग जैसे सीजीएल की बात करते हैं, एसएससी के अंदर हम लोग सीपीओ एसआई की बात करते हैं, ये सारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं। एसएससी के अंदर सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी ये ट्वेल्थ पास जो बच्चा है वो इस एग्जाम को दे सकता है। इससे आप एलडीसी, डीईओ इस प्रकार की पोस्ट लेते हो। एमटीएस की अगर आप बात करना चाहो, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्स में जैसे एसएससी से जीडी का जो एग्जाम होता है, इस प्रकार की चीज़ों को अगर हम देखना चाहें, जिस भी स्तर का मैथ्स आता है वो आपको इसमें करवाया जाएगा। और ये
आरएएस का एग्जाम है, यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, इन एग्जाम्स को तो आप ऑटोमेटिक कवर कर दोगे, रेलवे के एग्जाम्स की, क्योंकि एसएससी का मैथ्स पढ़ने के बाद, एसएससी और कैट का मैथ्स पढ़ने के बाद आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें आपकी मैथ्स जो है आप ना कर पाओ, ना अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी विद्वान बैच की खास बातें हैं और इसको हमें बहुत ही रेगुलर, जैसे हम लोग रेगुलर रहेंगे तो आपको भी रेगुलर ही रहना है इन बैच के अंदर। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करते हैं अपन, थोड़ा मैथ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि मैथ्स जो है वो किस तरीके से अपने को सीखनी है, कैसे अपने को पढ़ना है मैथ्स को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैथ्स जैसे हम अगर अपन सीख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं लेनी, बस हमें तो सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन प्लस नॉलेज दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यार ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने के साथ साथ आपका नॉलेज होना ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स जो है ना, वो पूरा इसका नाम सही होता है मैथमेटिक्स। हम लोग मैथ मैथ बोलते हैं, या तो मैथमेटिक्स बोलते हैं या इसको मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, सही जो चीज़ है वो मैथ्स है। ये मैथ जो है, ये जो आप लोग लिखते हो, ये एकदम गलत हो जाता है, ध्यान रखना, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैथ नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स। इस मैथ्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कहीं पर भी कोई भी मैथ्स, आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयार करना, जो मैथ्स आएगी वो दो प्रकार से अपन डिवाइड करेंगे। एक तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अरिथमेटिक मैथ्स, एक तो अरिथमेटिक मैथ्स अपन पढ़ने वाले हैं और एक अपन पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ। ठीक है, अरिथमेटिक मैथ्स के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अर्थमेटिक के अंदर हम लोग अंक गणित की ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। जैसे इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज, परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। एक बार थोड़ा सिलेबस के अगर अपन डिस्कस करें, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, यानी कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जिंदगी में भी वैसे लाभ और हानि तो चलती ही रहती है, मैथ्स के अंदर भी सीखेंगे अपन। ठीक है भाई, और इसके बाद लाभ हानि से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर है डिस्काउंट का, यानी बट्टा या छूट क्या होगी, इसको भी हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे अर्थमेटिक के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि साधारण ब्याज, या फिर इसको सरल ब्याज भी बोल सकते हैं, साधारण ब्याज, और इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये सारे चैप्टर इसी के अंदर पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे इसी के अंदर, अगर मैं बात करूं यहां पर, इसके अंदर अगर मैं बात करूं छठे नंबर पर, तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो भी मैथ्स के चैप्टर हैं, यानी अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ये भी इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक के अंदर, समानुपात। ठीक है, क्या होता है ये सारी चीजें, इनके बारे में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे अपन एक एक चैप्टर्स के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ एक चैप्टर आता है एज, यानी कि आयु, पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, ऐसे और चैप्टर आ जाएंगे, एलसीएम एससीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यानी ज्यादा की ज्यादा जहां अंकों की जहां पे बात की जाए वो क्या होती है, अर्थमेटिक मैथ्स होती है, उसकी अपन डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर एडवांस मैथ की बात करूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, एडवांस की, तो एडवांस मैथ के अंदर ध्यान रखना, एडवांस के मैथ्स के अंदर एक तो आता है आपका क्षेत्रमिति वाला पार्ट जो है मेंसुरेशन, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि हम करने क्या वाले हैं एक्चुअल में, हमारा ध्येय क्या, जैसे मान लीजिए आपको मंदिर जाना है किसी में, तो मंदिर में जाने का अगर आपके माइंड में रास्ता क्लियर है ना कि मुझे इस रास्ते से जाना है, तो आप 100% मंदिर पहुंच जाओगे। अगर आपको ऐसे, अगर आपको गणित अगर सीखना है, अगर मैथ्स अगर सीखना है, क्वांट वाला पार्ट अगर सीखना है, तो आपके माइंड में एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है।
सीखना किस हिसाब से है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। गणित को हम इस प्रकार से डिवाइड करके पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ। जनरली क्या होता है, अर्थमेटिक को बच्चे फर्स्ट मैथ और एडवांस को सेकंड मैथ बोल देते हैं, तो हम भी इसको बोल देंगे कि फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ। बाकी अर्थमेटिक्स और एडवांस ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए वो बोल देते हैं। तो एडवांस मैथ का पार्ट बता रहा हूँ मैं। एक तो मेंसुरेशन हमें को पढ़ना है, क्षेत्रमिति। इस क्षेत्रमिति चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्षेत्रमिति को। क्षेत्रमिति का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे क्षेत्रफल आपको निकालना है, समझ रहे हो। और एक बात और बता देता हूँ, आप कोई भी एग्जाम देना, कोई भी जो मैथ्स आती है ना, वो केवल और केवल 10th लेवल की मैथ्स आती है, यानी कि 10वीं क्लास तक आपने जो भी कोई गणित पढ़ी है ना, वो गणित की अपन बात करते हैं 10th क्लास तक की, ठीक है। तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जैसे अपन पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो सारी चीजें आती है, उसको डीपली किस किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा सकता है, उस चीज की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है, और एक अपन बात करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की अगर अपन बात करें, यानी कि आयतन की अगर मैं बात करूं, तो आयतन जैसे घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, फ्रस्टम ऑफ ए कोण यानी कि छिन्नक, इस प्रकार से सारी चीजों की अपन बात करेंगे क्षेत्रमिति के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं इसके अंदर क्षेत्रमिति के बाद, एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे ज्यादा जो बच्चों को डर लगता है ना स्कूल से, और सभी जानते भी हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री, या इसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं बोलो? त्रिकोणमिति। यहां पर अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोट थीटा, ऐसे चीजों की अगर जो बात करेंगे, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो वो सारी की सारी जो बात होगी वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात होगी। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं भाई, ये लिख दिए मैंने। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसमें क्या क्या रिलेशन होता है, त्रिकोणमितीय कोणों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, त्रिकोणमितीय यहाँ पर अपन सर्व समीकाओं के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, इनके मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की बात करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर आता है उसकी भी अपन बात करेंगे त्रिकोणमिति के अंदर ही, जिसमें अपन उन्नयन कोण और अवनमन कोण अपन पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, इसकी भी अपन बात करेंगे इसी के अंदर। इसी चैप्टर के अंदर, एडवांस मैथ के इसी पार्ट के अंदर, पोर्शन के अंदर हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री की, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं? ज्यामिति। जो आपने बचपन में स्कूल में जरूर सीखा होगा, स्कूल से जो बच्चा पढ़ के अभी पास होता है उसने जरूर उसको याद होगा कि हम लोग यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप क्या करिए, ज्योमेट्री के अंदर ज्यामिति रचना करनी होती है कि एक 10 सेंटीमीटर की ए बी लाइन खींचिए, पॉइंट ए पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर एक चाप काटिए, उधर नीचे की तरफ भी काटना है, पॉइंट बी से ऊपर की तरफ कटे हुए चाप पर एक और चाप काटिए। इस प्रकार से ज्यामिति रचनाओं की बात करते हैं। थ्योरम्स आपने पढ़ी होगी, प्रमेय आपने पढ़ी होगी, किस प्रकार की, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है, उसके अंतः अभिमुख कोणों के बारे बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये सारी चीजें आपने सीखी होगी कि अगर मैं वृत्त की बात करूं, एक सर्कल की अगर मैं बात करूं, तो केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, शेष परिधि पर बनने वाले कोण का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। इन सारी चीजों की जो बात करेंगे वो ज्योमेट्री के अंदर बात करेंगे, है ना। चार सेंटर्स की अपन बात करने वाले हैं, वो सारी चीजें ज्योमेट्री के अंदर अपन बात करेंगे। इस ज्योमेट्री में ही कहीं एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपन एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, ये सारी चीजों की बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। और इसी में ही एडवांस मैथ में ही एक पोर्शन और आता है, क्या आता है बताओ? इसी एडवांस मैथ के अंदर हम लोग बात करें तो एक आता है एलजेब्रा वाला चैप्टर, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इस बीजगणित की भी अपन बात करने वाले, जहां पर एक्स वाई, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन तरीके के फॉर्मूलों की जो बात करते हैं वो एलजेब्रा के अंदर बात करते हैं, और डिटेल से इसको सीखेंगे भी। ऐसे क्वेश्चन आपने कुछ, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो आपसे पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। तो इन चीज़ों की जो बात की जाएगी वो एडवांस मैथ के अंदर बात की जाएगी भाई, और एडवांस मैथ का भी कौन सा पोर्शन? एलजेब्रा वाला पोर्शन। तो ये सारी चीज़ों की अपन ने बात की। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जैसे कि आपने देखा होगा
जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो यहां पर आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन रेलवे वगैरह के चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक, यानी कि मीन, मोड और मीडियन, मीन, मोड और मीडियन, इनकी अपन बात करते हैं तो ये आंकड़ों का प्रबंधन रेलवे के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज के। और टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं ना, टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं, स्टेट के एग्जाम्स हो, सेंटर के कोई एग्जाम्स हो, उनमें ये इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार मिलान चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से चीजों की बात कर लेता है। अगर मैं बात करूं प्रायिकता, नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन, एक प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता जो है ये रेलवे वगैरह का इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये रेलवेज जो है ना वो इसको ज्यादा पूछता है, या टीचर्स के एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं ये प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक बैग के अंदर कुछ लाल गेंदे हैं, या ऐसा कह देगा पांच तो रेड है, पांच तो कैसी गेंदे है, एक बैग है, या एक बैग है उसके अंदर पांच तो रेड बॉल है, ठीक है, और यहां पर सेवन जो है वो ब्लू कलर की है, इस प्रकार से कह देगा। और आपसे कहेगा कि एक गेंद जो है यादृच्छिक रूप से रेंडमली निकाली जाती है, बताइए उस गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, या उस गेंद की ब्लू होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे ही बॉल से संबंधित बना देगा, कभी पासा है उससे रिलेटेड बना देगा, कुछ भी चीज से रिलेटेड बना देगा, ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा। तो ये प्रायिकता के अंदर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, एक चैप्टर आजकल और पूछे जाने लग गया है, क्रमचय संचय का, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, क्रमचय एवं संचय का। ध्यान रखना, क्रमचय एवं संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एनसीआर एनपीआर ये आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा अगर कोई बच्चा है तो। लेकिन आजकल क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर 10th से ऊपर का ये वाला एक चैप्टर देने लग गया, जो कि 11th में या 12th में हम लोग पढ़ते थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके डालने लग गया है। तो ये पूरा का पूरा एक मैंने गणित का एक ओवरव्यू दिया कि हम किस किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और पूरा डिटेल का बैच जो है वो आपका चलेगा। और मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो से, जीरो का मतलब जीरो, ये ऐसा नहीं कि अनाउंस कर दूं कि जीरो से पढ़ाऊंगा और जीरो से ना पढ़ाऊं, एकदम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। बेसिक मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक। बेसिक में हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज, मैं आपसे बोलूंगा कि आपको पहाड़े याद करने हैं 25 तक, तो आपको पहाड़े याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूंगा आपको स्क्वायर याद करने, क्यूब याद करने, तो आपको क्यूब और स्क्वायर याद करने ही करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका मैथ्स की कैलकुलेशन जो है स्पीड वो बढ़ जाएगी। कुछ मैं आपको क्वेश्चन वैसे जोड़ और घटा के दूंगा डायरेक्टली कि भाई ये आपके सामने कुछ 50 क्वेश्चन है जोड़ने हैं आपको, इनको कैलकुलेशन कर करके देखनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करानी है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 768, ठीक है, और मैं यहाँ पर कहूँ 869, मैंने कहा 754 और मैंने कहा 329, इस प्रकार से मैंने कुछ आंकड़े लिख दिए, ऐसे मैं आपसे कहूँ कि इसको जोड़कर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन जब मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा जब प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या आपकी जोड़ने की स्पीड जो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ध्यान रखना, जब तक मेंटली वर्क हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट ए फिजिकल वर्क, इट इज ओनली और ओनली मेंटल वर्क। मतलब आपको मेंटली हार्ड वर्क करना है, फिजिकली इतना करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली तो आप सिर्फ सुबह उठकर 10 मिनट व्यायाम कर लीजिए, वो काफ़ी है, लेकिन मेंटली मेहनत करने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, रीजनिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल बातें, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक टब है, देखो सुनना, अगर इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो बहुत मतलब क्या है कि आपका दिमाग चलना स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक टब है, ये प्रत्येक मिनट में दुगना भर जाता है फूलों से, ये जो टब है वो प्रत्येक मिनट में कितना भर जाता है, दुगना फूलों से भरता है, फूलों से भरने के लिए एक मिनट में डबल भरता है, दुगना भर जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा का पूरा भरने में अगर इसको 42 मिनट लगे, फुल भरने में इसको फुल होने में कितना टाइम लगा, 42 मिनट लगे, तो बताइए इसका जो 1/16 पार्ट है, इसका जो टोकरी का या इस टब का जो 1/16 भाग है, उसको भरने में कितना समय लगा होगा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, किस प्रकार से आपको करने, इस सवाल का आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत सारी छोटी छोटी बातें, जैसे आपको संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको ये पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट के अंदर, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि अंडर रूट -4 गुणा
अंडर रूट माइनस चार, इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत बेसिक बेसिक बातें जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी, कौन से नंबर्स रियल होते हैं, कौन से इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी नंबर है तो उनको किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी बातें और हर बड़ी से बड़ी बातें, क्वेश्चंस एग्जाम में कौन से आए हुए हैं, किस प्रकार के आते हैं, फुल प्रैक्टिस। जब मैं आपको सारी चीज़ यहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर करवा दूंगा तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके सलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो विद्वान बैच, जैसा कि हमने नाम लिया था शुरू में ही, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है विद्वान बैच। विद्वान बैच के बारे में पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया कि हम किस प्रकार से अपन पढ़ने वाले हैं, मैथ्स को कैसे अपन पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की टीचर्स, अलग अलग टीचर्स आपको नॉलेज दे ही रहे हैं। रीजनिंग वाले आपको रीजनिंग की नॉलेज दे देंगे कि विद्वान बैच में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, जीके वाले जीके के हिसाब से और साइंस वाले साइंस के हिसाब से। मैं कहता हूँ कि कंप्लीट बैच अगर आप ज्वाइन करते हो, जब आपका कोई पैसा ही नहीं लग रहा, केवल आपको उसे पढ़ना है, तो विद्वान बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और हमारा श्रेय यही रहेगा कि हम विद्वान बनाकर आपको एक सिलेक्शन की ओर लेकर जाएं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन था, और कल की क्लास से आपकी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। आपको रेगुलर पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठना है, नो डिस्टर्बेंस, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको। थैंक यू। इसी शब्दों के साथ, इसी सब बातों के साथ मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।